Hey guys, welcome to today's vlog. और जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम निकल गए बैंगलोर के लिए, तो आज हम रीवा से जाएंगे नागपुर और फिर आगे की जर्नी हम 3 दिन में, एक्चुअली हमने जर्नी को डिवाइड किया है, तो आगे की जर्नी आप आगे के व्लॉग्स में देखेंगे. तो अभी हम निकल गए हैं कि 3 दिन अभी गाड़ी मैं चला रहा हूँ ना, 3 दिन हो सकता है 2 दिन, जितना जितना मुझे लगेगा. Here comes the disturbance. अच्छा, और ये व्लॉग नहीं है, ये आज का कारो व्लॉग है. जैसे कारोबार, जैसे दिल्ली में कार में ही बार बन जाता है, वैसे ये तुम कार में ही ब्लॉग बना रही हो, तो ये कारो ब्लॉग है. बोर्ड करने के लिए काफी काफी धन्यवाद. तो अब आगे जो मैं बता रही थी वो ये कि हाँ, 3 दिन लगेंगे अभी हमें बैंगलोर तक पहुँचने. 3 दिन जरूरी नहीं है, हो सकता है अगर मैं मेरा दिल किया तो फिर एक दिन में नागपुर की जगह हैदराबाद चले. Here again comes the disturbance. तो देखेंगे ना लास्ट में कितना, 2 दिन में जाते हैं या 3 दिन में, डिपेंड करता है शाम को. अभी आज कितना चलाने के बाद क्या मूड होता है. हाँ, अभी तो एनर्जी काफी लो है क्योंकि अभी मायके से निकले हैं, तो एनर्जी काफी लो है. बट वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम रोड पे और चलते जाएंगे, इमोशंस की स्कार्सिटी होगी, तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे. ठीक है, हम एक्चुअली निकलने वाले थे 5-6 के अराउंड, बट हमें निकलते निकलते 7:30 हो गया था. क्योंकि जब मैंने किसी को उठाया तो उसने मुझे ऐसे कोनी मार के बोला, सोने दो ना, मुझे गाड़ी चलानी है ना, मुझे सोने दो ना. निकलना तो मैं 4 बजे जाता था कि 4 बजे निकलेंगे मस्त, 10 मतलब 4 बजे निकलो, 11-12 बजे तक पहुंच जाओ. फिर वही है कि यार इतनी गर्मी है, नींद के आगोश में, एसी की ठंडक में उठाई नहीं गया ना. हमारी बहुत गर्मी जब लगती है ना, हवा एसी की हवा लगती है तो आदमी लगता है ठीक है यार बाहर सोलो, थोड़ा और सोलो, बाहर कौन निकले कौन निकले. अच्छा, गर्मी में एसी की हवा में लगता है कौन उठे, ठंड में क्विल्ट की जो गर्मी है उसमें लगता है कौन उठे. तो भाई उठना कौन से सीजन में चाहते हैं आप, आपका सीजन कौन सा है उठने वाला, आप हर सीजन में हाइबरनेट ही रहते हैं. जीवन का असली मजा वही है यार, लाइफ का असली मजा वही है कि आप मस्त हाइबरनेट रहो. सही है, सही सही. हमेशा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि किसमें घुसाओ, और जिसमें घुसा दो वही लाइन लंबी हो जाती है ना. आज भाई साहब की एनर्जी काफी लो है तो कंटेंट कम ही मिलेगा आज. मैं देखा, ये होता ही है, वो कैश वाले है ना ये. कार जो है वो पूरी जैम पैक्ड है. अब देखो क्या क्या भरा पड़ा है भाई. इसको सेट करने में हमें कितने घंटे लगे हैं, मतलब हमें नहीं आपको कितने घंटे लगे इसे सेट करने में? 2 घंटे. एक्चुअली हमने रात में ही सेट कर लिया था ना. हाँ, रात में सेट किया था तो 2 घंटे लगे. मेरी आवाज ही मेरी पहचान है. आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बंदा थोड़ा सा इमोशनल रखा है, अपने घर से अपने मायके से जा रहा है. आज विदाई हुई है भाई की, अब वहां जाके अभी सब भूल जाएंगे. अरे तो कौन नहीं भूल जाता, ये तो अच्छी बात है. पर आदमी जब जा रहा होता है तब तो लगता है ना, फिर तो आदमी ठीक है, अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें थोड़ा बिजी हो जाता है. 1.5 साल ये मनुष्य अपने मायके में रहा है, मुझे एक बार भी जाने का मौका नहीं मिला है. अच्छा, शर्म आती है, अभी 2 महीने अपनी बहन के यहाँ रह के आया है. वाह भाई वाह, वारी दुनिया. तो यही होती है फैमिली की, आपको जब भी टाइम मिले अपने मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची नाना नानी सबके साथ टाइम बिताओ. कोविड ने टाइम दिया कि टाइम बिताओ, तो बिताया. हाँ, हमारे चाचा चाची नाना नानी दादा दादी है भी क्या. आप भी जा सकती थी, आप गई नहीं, थोड़ा बहुत गई जहाँ जाना था. हम आपकी मोहब्बत में इतने गिरफ्त थे कि हम जा ना पाए. सबका अपना अपना वो है. ये जो वो दिख रहे हैं पर्वत माउंटेन्स, ये क्या मैयर वाले हैं? हाँ, ये मैयर, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स मैयर. तो जयपुर वगैरह में देखा है ना यार, पानी की कितनी किल्लत है.
से ट्रक समझ लिया है और हमने इसको पूरा भर दिया है, इसको ठुसम ठुस हो गई है पूरी। ठुसम ठुस मुझे कुछ और, तुमने ये वर्ड बोला मुझे कुछ और समझा। जैसी जिसकी सोच, जिसका जैसा दिमाग उसकी वैसा। क्या बहुत ही आकर्षक कर आकर्षित करने वाली चीज देख ली तुमने? मुझे ये माउंटेन्स दिखे, नॉट माउंटेन्स, प्लेटू है ये तो, और ये जाती गाय मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये ऑटो, ये दिस इज नॉट ऑटो, दिस इज विक्रम। ये विक्रम नहीं, हेलो यूपी वाले पकड़ के मारेंगे, ये नहीं है विक्रम। विक्रम जब आता है देखना चाहते हैं हम। आपने क्या कहा, जब विक्रम आता है? जब विक्रम आता है तो छा जाता है। अरे सच में भाई, यूपी वाले विक्रम की बात अलग है। तो गाइज अभी हो रहा है 10:54 और हम जबलपुर क्रॉस कर चुके हैं। जैसे करंट अफेयर होता है ना, वैसे हमारे बीच में करंट डिस्कशन हो रहा है रिलेटेड टू हेयर। डिस्कशन हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, मैं इसको बोलता हूँ ये आर्गुमेंट है। नहीं नहीं, ये डिस्कशन, ये डिस्कशन हो रहा है क्योंकि मैंने एक्चुअली ये बोला कि मेरे बाल पहले ऐसे नहीं थे, अब बहुत ज्यादा रफ हो चुके हैं क्योंकि यू नो क्या होता है, टाइम टू टाइम पानी चेंज हो रहा है, हम इतना ट्रैवल कर रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं तो पानी चेंज हो रहा है, प्लस मैं बहुत ज्यादा शैम्पू यूज करती हूँ तो उसका भी इफेक्ट है, यूट्यूब में रिव्यूज देने के चक्कर में तो उसका इफेक्ट हुआ है। पर कोई ना बीच में कूद गया अपने अपने बालों का, कुछ तो बताने लगे कि अब मैं ऐसे बाल करूंगा वैसे बाल करूंगा। तो क्या क्या प्लान है आपका अपने बालों को लेकर, क्या है आपका प्लान? प्लान वैन कुछ नहीं है, मैं अपने बाल लंबे करूंगा, बड़े करूंगा जैसे मैं पहले रखता था। और प्लीट्स बनाओगे? प्लीट्स नहीं बनाऊंगा यार मैं कुछ, हाँ मैं चोटी बनाऊंगा, मैं जूड़ा बनाऊंगा, मैं कुछ भी करूँ। उधर पापा मम्मी लोग जैसे ही थोड़ा बड़े, ये बढ़ गए यहाँ बढ़ गए, इधर तुमने बढ़ाने नहीं दे रही, बाल मेरे मुझे बढ़ाना है, अब मैं कटाई नहीं रहा फिलहाल। तो पता है फिलहाल आपका सिर्फ एक ही चीज बढ़ रही है, पता है क्या? जुबान। हाँ वेट, वेट। हाँ तो वेट भी बढ़ाऊंगा, नहीं वेट घटाऊंगा, बाल बढ़ाऊंगा, मुझे रखने हैं ना यार, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा सिर्फ दो चीजें बढ़ती है, एक तो बियर्ड का बाल और वजन, बाकी जो नहीं बढ़ना चाहिए बाल बढ़ाएंगे ये। तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? अरे देखना तो मुझे ही है ना, आंखें बंद कर लो। ये क्या बात है? मतलब मेरे बाल मैं अब बढ़ा नहीं सकता, और आई पी लो जी, चाहे जो भी हो मुझे नहीं पता। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि डिस्कशन नहीं है आर्गुमेंट है, क्योंकि मान ही नहीं रहा। डिस्कशन ये होता है कि मैं बोलूं कि मैं बाल बढ़ाऊंगा, तुम बोलोगे हाँ ठीक है तुम्हारी मर्जी, ये खत्म। मतलब ऐसी बातें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो आर्गुमेंट बन गया ना ऐसा वैसा। कार क्यों रोक दी? भूख लगी है। अच्छा भूख भी लगती? लगी है, खाना दे दो। भूख अच्छा भूख भी लगती है? जब खुद को लगती है तो रुकता है, नहीं तो नहीं रुकता है। तुमने कहा बोला यार कि रोकना है या कुछ, वो तो मैंने ही किया, तुमने कौन सा, तुमने तो एक बार भी नहीं बोला कि रुकते हैं। अब मैं पीऊंगा चाय कॉफी कुछ, तुम भी पी लेना। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, अब कंफर्मेशन मिला है तो अब खा लेंगे हम खाना। हाँ ले रही हूँ, बहुत गर्मी है यार। हाँ तो भाई ना, अभी तक पता नहीं था, कुछ जल्दी से खाते निकलते क्योंकि कार गर्म हो जाएगी फिर मजा नहीं आएगा। सीरियसली मतलब हाँ मजा नहीं आएगा। तो अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, इतनी गर्मी में चाय पी के बैठे हुए हैं। ठीक तुम वहाँ चाय नहीं? वेल जो हमने चाय पी थी वो धूप में खड़े होके नहीं पी थी तो ठीक है। अचानक से चाय का इतना चस्का कहाँ से लग गया है? जब आप यार ड्राइव करते हो ना तो ऐसे चाय कॉफी कुछ चाहिए रहती है वो फ्रेशनेस के लिए, यू नो। बारिश होने वाली है, बट अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, काफी रिलैक्सिंग रहेगा ये लोगों के लिए। काफी गर्मी है, 44 डिग्री टेम्परेचर है, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके बारे में सोच मुझे बहुत डर। पता है मैं किसी को बाइक पे से जाते देख रही हूँ ना, स्पेशली अगर उसमें कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग बैठा, मुझे ना बड़ा अजीब सा फील होता है कि यार देखो बेचारे उसमें बाइक पे जा रहे हैं, कितनी गर्मी है। ठीक है भले ही अपनी मर्जी से जा रहे होंगे बट वो एक लगता है। जी को भी देखो गर्मी लग रही होगी, आपको गर्मी लग रही है? हनुमान जी ने राम जी को बैठाया हुआ तो उन्हें नहीं लग रही होगी, उनको हाँ उनके कलेजे में ठंडक होगी क्योंकि उनके राम जी उनके पास बैठे। क्या बात है, हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और अभी पेज 62 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ नेक्स्ट 2 आवर्स में हम नागपुर पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि हम अपना प्लान थोड़ा सा चेंज कर लें और हम नागपुर में ना रुके, बट लेट्स सी। वी कैन डू दैट क्योंकि हमने अभी होटल बुक नहीं किया है। हाँ अभी ऑन द फ्लाई सोचा था कि जहाँ भी रुकना होगा होटल बुक कर लेंगे। गुड दैट,
अरे ये क्या हो गया, ये क्या बांध दिया? ओ, तुमने तो देखा ही नहीं। मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो लगाया भी नहीं है। क्या हो गया? थोड़ा सा दर्द हो रहा है मुझे इधर बैक में हल्का सा, तो मैं ये पट्टा हमेशा रखता हूँ लॉन्ग ड्राइव के, जब भी लॉन्ग ड्राइव। पट्टा क्या होता है, तुम क्या? अरे ये जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल सर्विकल बैंड और समथिंग, जो भी। मुझे लगा तुम पट्टा बोल रहे हो। मैं पट्टा ही बोलता हूँ भाई ये, ठीक है। तो ये मैं पट्टा हमेशा रखता हूँ जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है। लॉन्ग ड्राइव का मतलब 50 से 100 किलोमीटर नहीं, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर। तो जब भी थोड़ा सा अनीजी सा लगे बांध दो तो अच्छा लगता है, और फिर इसके बाद उतार दो आधे घंटे में, दैट्स इट। कुछ मालिक लोग देखते हैं, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी कि कुछ लोगों को क्या होता है कि पट्टे से सफोकेशन होता है, ये बोल रहा है पट्टा बांध के बड़ा रिलैक्स लगता है। तो ये पट्टा ऐसा है कि मैं खुद ही ओन करता हूँ ये, वो ये पट्टा पहनने से कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कोई और ओन करता है मुझे, तो आई एम हैप्पी। अंडरस्टूड। तो ये पेंच की ना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है, इसलिए ये सब लगाया हुआ है ताकि जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो, प्रोटेक्टेड रहे। हाँ, डिस्टर्ब ना हो, प्रोटेक्टेड रहे। जब तुम चाय पी रहे थे तो मैं क्या पी रही थी? क्या पी रही? कुछ तो पी रही थी तुम। मैं पी रही थी पानी। मैं पी रही थी वीरू का भाई, वीरू का भाई चीरू। तुमने तब जोर मत बोला, तुमने कुछ नहीं पिया था तब, तुम उस टाइम पे कुछ खरीद रही थी। हाँ तो मैं यही खरीद रही थी जीरू। तो तुमने बोला मैं पी रही थी। अरे मतलब तुम चाय पी रहे थे, मैं चाय नहीं पीती तो मैं क्या करूँ, तो मैंने ये जीरू खरीद लिया। जीरू ये है, ये वो है क्या, बिंदु टाइप से? हाँ करेक्ट, रिम जिम आता है ना, बिंदु का भाई जीरू है। अब मुझे नहीं पता कि ये, हाँ मैं समझ गया जी, कितना ऑथेंटिक है, बट ये वही है फिजी मसाला ड्रिंक। इसको पीने से पेट में आग लग जाती है। थैंक्स फॉर द रिव्यू, पर उतना अच्छा बिंदु इतना अच्छा नहीं है। मुझे तो रिमझिम ज्यादा अच्छा लगता है, रिमझिम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है बट अच्छा लगता है। रिमझिम और बिंदु दोनों मस्त है। हाँ ये ठीक है। हमारे घर में भी एक रिमझिम है, सुन के खुश हो रही है कि बेटा हम तेरी बात नहीं कर रहे हैं, हम ड्रिंक की बात कर रहे हैं। ये जो है ना, ये वो बच्चे हैं जिनको अगर जो बोलो ना कि आइसक्रीम टेस्ट कराओ, तो ना वो जो कॉर्नेटो होती है उसका इतना ऊपर का पोर्शन काट देते थे कि सिर्फ नीचे की आपके पास वो लिटरली एक वो नुकीली सी पोर्शन बचती है। ये वो बच्चे, टेस्ट करने दिया था आधी बॉटल खत्म कर दी यार। अरे तो ठीक है ना, आधी नहीं थोड़ी सी। इनका टेस्ट इतना होता है कि उतने में नॉर्मल लोगों का खत्म हो जाता है, इसलिए तुमने छुड़ा लिया, मुझे पता है। चलो मैंने छुड़ाया नहीं, छीना है तुमने। हाँ छीना है मैंने लिटरली, सही मैं भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं छीना नहीं है लिया है, तुमने कुछ छीना लिया। ही होता है भाई, हाथ से पकड़ के ऐसे ले लो तो उसको लेना नहीं बोलते, उसको बोलते छीनना। So, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, कहानी में आ गया है ट्विस्ट, और अब हम नागपुर में स्टे नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बजे सिर्फ 3, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम हैदराबाद जाते हैं, और अगर हैदराबाद तक पहुंच जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो बीच में ही कहीं पे एक स्टे कर लेंगे। अरे आपका बच्चा कहाँ गया, उतार दिया? पट्टा यहाँ है, पट्टा पेट में लगा लिया है। पट्टा पेट में लगा लिया, पेट मिल रहा है। यहाँ का बड़ा फेमस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बन बहुत सही रहा है ना, बिल्डिंग देखने में तो अच्छी है। हाँ, अंदर का पता नहीं, डॉक्टर्स का पता नहीं, बट बिल्डिंग तो बहुत सही है। बस रात हो गई है, कार चलाते चलाते मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एक मच्छर घुसा हुआ है यार कार के अंदर, मुझे काटे जा रहा है। मैं साला कार ड्राइव करूं कि मच्छर मारूं, मैं तो ऐसा होता है ना। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कार ड्राइव कर रहे हो और मच्छर काट रहा हो कार के अंदर? मच्छर के साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ मक्खी का हुआ है। मक्खी का हुआ है? मक्खी का तो फिर भी उतना नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मुझे मच्छर काट रहा है यार। मैं घुस तो सकती नहीं वहां पे नीचे। नहीं नहीं अभी कहीं चाय कॉफी के लिए खड़े होंगे ना, तो फिर वहां पे खड़े होकर मैं मारूंगा। अभी हैदराबाद 286 किलोमीटर है ना? नहीं अब हैदराबाद है 210 किलोमीटर। ओह ओनली 210? माय गॉड, वी विल बी इन हैदराबाद। घर वालों को बोल के आए थे कि हम नागपुर में रुक जाएंगे, हम 3 दिन की ट्रिप करने वाले हैं, बट हमारा प्लान चेंज हो गया।
मतलब नहीं बन रहा था, मतलब 3 बजे एग्जैक्टली नागपुर में घूमना तो था नहीं हमको कुछ। हैदराबाद में चल के बिरयानी खा लेंगे यार, मस्त वाली हैदराबादी बिरयानी खाएंगे। डिपेंड करता है ना पहुंचोगे कितने बजे। पहुंच जाएंगे 12 बजे थोड़ी तुम्हारे लिए बिरयानी, तो 12 बजे थोड़ी पहुंचेंगे, पहले पहुंच जाएंगे। उसे देखिए इस आदमी का, ये जब भी टोल में एंट्री लेते हैं तो ये इतनी ज्यादा रिसर्च करते हैं किस लाइन में जाऊं किस उसमें जाऊं, ये हमेशा गलत लाइन में जाते हैं हमेशा, और अब ये बैक कर रहे हैं। नहीं तो मुझे ये बताओ, तुम हमेशा इतनी जो रिसर्च करते हैं उसके बाद भी तुम गलत लाइन में कैसे घुस जाते हैं? मेरा इंट्यूशन गलत हो जाता है। अब ये इकलौती कार थी, मैं चला गया, मुझे क्या पता था कि इस पे पैसे ही नहीं है। उसका वो फास्ट टैग होगा, ब्लैक लिस्ट हो गया ना क्योंकि पैसे नहीं है, ब्लैक लिस्टेड है तो उसकी वजह से। चलो एक चीज है, ये हमेशा होता है, अभी तो चलो वो ब्लैक लिस्ट है बेचारा इसलिए, वरना ही हमेशा होता है। कार की लेन को छोड़ के ट्रक की लेन में घुस जाएंगे, पता नहीं क्या है। तो अभी हम हैदराबाद पहुंच के हमारा डिनर वगैरह हो गया है, रूम पे आ रहे हैं, और अब मैं इस ब्लॉग को करूंगी यहीं पे एंड। आई होप यू हैव लाइक दिस ब्लॉग, इफ यू डू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मैं आपसे मिलती हूँ कल।